हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम एक वीडियोकॉन टीवी में किस तरह से वोल्टेज चेक करें, और स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि पावर सप्लाई हो गया, उसके बाद रेगुलेटर सेक्शन, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलेटर सेक्शन है। ये एरिया पूरा रेगुलेटर का है, जहाँ पर से 8 वोल्ट और 5 वोल्ट बन के निकलता है। उसके बाद ये हमारा ऊपर का हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ठीक है। ये सबके वोल्टेज कैसे कैसे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि जब वीडियोकॉन, सैमसंग, अकाई एक और साथ में एक और टीवी है हुंडई कंपनी का, तो ये तीन टीवी का जो सर्किट डिज़ाइन होता है लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसी तरह से आप सर्किट देखोगे, चाहे सैमसंग हो, चाहे अकाई हो, चाहे वीडियोकॉन हो, जो नॉर्मल टीवी आते हैं उसके स्लिम मॉडल के भी थोड़े अलग होते हैं। तो जिसका किसका इस कभी कभी इसमें एसटीवी सेम नंबर लगता है, और इसकी जो बड़ी वाली आईसी भी होती है वो भी लगभग सेम नंबर की लगती है। तो सबसे पहला मैं टीवी को ऑन करूँगा, आपको प्राइमरी सेक्शन के बारे में बताऊँगा कि प्राइमरी सेक्शन कैसे कैसे इसमें वोल्टेज आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेक्शन जो होता है सेकेंडरी साइड, तो उसके अंदर जो बहुत सारे सेक्शन बने, जैसे वर्टिकल हो गया, यहाँ पर एक साउंड का सेक्शन आप देख सकते हो। ये हमारी मेन आईसी है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, आपको दिखाते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हमारा पूरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। आप देख सकते हैं पूरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। तो आप एसटी को थोड़ा दूर कर, अभी जब आप ऐसे सर्किट चेक करते हो तो एसटी को अपने पास से थोड़ा दूर रखिए। मैंने एसटी को ऑलरेडी दूर करके रखा हूँ अपने से, एसटी के वायर को। तो जैसे कि हमने एक वीडियो में देखा था कि जब हम पावर सप्लाई सेक्शन को ट्रबल शूट करते हैं, तो उसके अंदर एक पावर सप्लाई के अंदर जो है एक मेन कैपेसिटर होता है, जहां पर हमको 300 वोल्ट के आसपास मिलेंगे हमको डीसी में। उसके पहले आप देख सकते हैं यहां पर ब्रिज बनाया हुआ है। ब्रिज का ये काम होता है कि जो एसी आता है इधर से, जो हमारे मेन प्लग से एसी आता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा ये रेक्टिफायर। तो यहाँ पर बीच बीच में छोटे छोटे कैपेसिटर भी लगे रहते हैं, इसके अंदर लगे है कि नहीं लगे है देखना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ इस समय। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो छोटे छोटे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं पीएफ के फॉर्म में। कभी कभी ये पीएफ भी ख़राब होते हैं और आपके कैपेसिटर पर शॉर्टिंग दिखाएगा, तो ये कैपेसिटर को भी आपको चेक करना रहता है जब शॉर्टिंग आपके कैपेसिटर पर दिखाए तो। और यहाँ पर एक एच आउटपुट है, ये यहाँ पर ट्रांजिस्टर है जो पावर सप्लाई का ट्रांजिस्टर है। तो पावर सप्लाई में दो चीज़ से ही बनता है पावर सप्लाई हमेशा, या तो एसटीआर लगा रहेगा या तो फिर ट्रांजिस्टर लगा रहेगा। तो ये ट्रांजिस्टर वाला है, तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर कैपेसिटर पर शॉर्टिंग आपको दिखाता है तो आपको ये चार डायोड चेक करने हैं, उसके साथ में डायोड शॉर्ट नहीं है तो ये पीएफ को चेक करने हैं निकाल के। पीएफ भी शॉर्ट नहीं है तो हमको ये देखो यहाँ पर एक लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, इसको निकाल के चेक करने हैं। तो ये तीन में 100% आपका शॉर्टिंग चला जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे यहाँ पर एक एसी फिल्टर का कैपेसिटर लगाया हुआ है छोटा सा, और यहाँ पर एक और पीएफ लगाया हुआ है, जो कि ये सब एसी को फिल्टर करने का काम किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक पीटीसी है, जो कि हमारे जो पैचेस आते हैं पिक्चर ट्यूब में, उसको निकालने का काम किया जाता है स्टार्टिंग में जब टीवी को ऑन करते हो तभी। तो यहाँ पर ये डायोड है, उसके साथ में दो पीएफ लगे थे यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद यहाँ पर ये कैपेसिटर मेन कैपेसिटर है, यहाँ पर हमको 300 वोल्ट मिलेंगे जब ही हमारा टीवी ऑन होगा तो। और उसके बाद ये सीधा ही सप्लाई दिया जाता है 300 वोल्ट एक ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से होते हुए और ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग से निकलता है और ये ट्रांजिस्टर पर जाता है जहाँ पर स्विचिंग का काम होता है। तो यहाँ पर भी आपको 300 वोल्ट मिलेंगे अगर टीवी जब आप बंद किए, जब ये पावर सप्लाई बंद रहेगा तब, मतलब कि जब हम स्टैंड बाय मोड में रखेंगे तब। अगर टीवी को ऑन है तो यहाँ का वोल्टेज अप डाउन होता रहेगा, यहाँ का वोल्टेज अप डाउन होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 0.75 के आसपास वोल्टेज मिलेंगे जब ये ट्रांजिस्टर आप निकाल दोगे तब। अगर ट्रांजिस्टर लगा के आप चेक करेंगे तो आपको 0.75 वोल्ट नहीं बताएंगे। अगर 0.75 वोल्ट बता रहे तभी भी आप तभी ये ट्रांजिस्टर डालेंगे। अगर ट्रांजिस्टर ख़राब है आपने निकाला इसको, तो आपको वोल्टेज ये यहाँ का वोल्टेज चेक करना है 0.7 वोल्ट, और यहाँ का वोल्टेज चेक करना है 300 वोल्ट।
अगर ये दोनों वोल्टेज सही है तो ही यहाँ पे ट्रांजिस्टर डालिए। अगर यहाँ पर 0.75 वोल्ट नहीं आता है तो यहाँ पर एक और छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसको आप चेंज कर दो, यहाँ पर 0.75 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ का ये काम ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक फीडबैक के लिए फीडबैक होता है, जो कि यहाँ पर हमारा 110 वोल्ट प्रॉपर तरीके से बना रहे, इसके लिए यहाँ से एक फीडबैक दिया जाता है। इसका ही वोल्टेज, इस वोल्टेज को सेंस कराया जाता है हमें हमारे पावर सप्लाई के इस ट्रांजिस्टर को, ताकि हमारा 120 वोल्ट प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बना रहे। अब ये 120 वोल्ट किस तरह से सेंस कराया उसको हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी की रेंज पर रखिए, उसके बाद जहाँ पर इस पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 110 का है, ये पॉइंट हमारा 110 का है। अब इसको हमको ट्रेस करना है, तब कहाँ से कैसे किस तरह से आया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट रखना है, आप यहाँ देख सकते हैं एक बारीक सा ट्रैक आया हुआ है, ये ट्रैक सीधा ही हमारे यहाँ पर आता है, ठीक है। उसके बाद दो तीन रजिस्टर और एक जीनर मार के, दो तीन रजिस्टर मार लगाया रहेगा, उसके बाद जीनर मार के ये सीधा ही हमारे रेगुलेटर पे दिया जाता है। अभी ये रेगुलेटर हमारा यहाँ पर है, रेगुलेटर बोले तो प्रीसेट, यहाँ पर एक प्रीसेट लगाया हुआ है। तो ये वोल्टेज एक पहले ट्रांजिस्टर का था, ट्रांजिस्टर के बाद यहाँ प्रीसेट पे आता है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का जो वैल्यू है 1815 रहेगा, ठीक है, 1015 1815 दो ट्रांजिस्टर लगते हैं। तो यहाँ पर 1015 लगता है और वहाँ पर 1815 लगता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ कनेक्ट किया हुआ ट्रांजिस्टर को, और इसका जो बीच का टर्मिनल है वो सीधा ही ऑप्टो कपलर पे गया है, ठीक है। तो यहाँ से ये वोल्टेज को सेंस कराया जाता है हमारे प्राइमरी साइड को। तो आपको अगर यहाँ का वोल्टेज बढ़ता है या कम होता है, तो आप अगर आपका वोल्टेज यहाँ पर कम मिल रहा है, मतलब कि समझ 65 75 ऐसा मिल रहा है, 100 वोल्ट मिल रहा है, 110 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर ये प्रेशर चेंज करना है और ये सब रजिस्टर एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर को चेंज करके देख लेना है, ये ट्रांजिस्टर भी आपको चेंज करके देख लेना है, और अगर ये सबसे नहीं होता तो आप लोग आपको एक बार चेंज करके देख लेना है। इतने में आपका यहाँ का वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। अगर अगर आपको आपने ये सब चेंज, और सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्टिंग देखना पड़ता है। अगर यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है ग्राउंडिंग से, ये ग्राउंड है और यहाँ पर हमको शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो सबसे पहले हम सेकेंडरी साइड ओपन करते हैं, इसका जो PST का सप्लाई है यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर वापस चेक करते हैं तो शॉर्टिंग चला जाएगा। अगर यहाँ इसको ओपन करने के बाद यहाँ के शॉर्टिंग जाती है, तो आपको ये ट्रांजिस्टर रिप्लेस करने की ज़रूरत है, ये ट्रांजिस्टर। और इस अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, फिर भी यहाँ इसको लगाने पर शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो इस लाइन में जितने भी कंपोनेंट लगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा PF लगा हुआ है, यहाँ पर एक PF लगा हुआ है, हल्का यहाँ से एक PF लगा हुआ है, तो ये सबको बारी बारी लगा के निकाल के चेक करना है। इसमें से कोई भी एक PF शॉर्ट रहेगा ही रहेगा, ताकि तभी ये वोल्टेज शॉर्ट दिखाता रहेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग ऑन करते हैं TV को। अब हम लोग ऑनलाइन चेक कर लेते हैं वोल्टेज को। TV को मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम 300 वोल्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद हमको ये ग्राउंड को, ब्लैक वायर मुझे ग्राउंड करना है, इस ग्राउंड को रेफर करना है और यहाँ का वोल्टेज चेक करना है। अभी देखते हैं यहाँ का वोल्टेज दिखाता है कि नहीं दिखाता, TV तो ऑन है, तो यहाँ का वोल्टेज अप डाउन होता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ का वोल्टेज बता नहीं रहा है, ठीक है, काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर स्विचिंग हो रहा है इसलिए यहाँ का वोल्टेज दिखा नहीं रहा है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ का वोल्टेज भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, 0.75 के आसपास आता है। तो जब ये ट्रांजिस्टर निकाल दोगे आप, तो ये सब सभी वोल्टेज आपको दिखने लगेंगे। अभी ट्रांजिस्टर लगा है, पावर सप्लाई बन रही है, पावर बनने का काम हो रहा है, तो इसीलिए वोल्टेज दिखा नहीं रहा है मुझे, ठीक है। जैसे ही अब मैं ट्रांजिस्टर निकाल देता हूँ, तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 300 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पर 0.7 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है, प्रॉपर कंडीशन रहेगा तो पावर सप्लाई का। अभी सेकेंडरी साइड चेक कर लेते हैं हम लोग, 110 वोल्ट, तो यहाँ पर 112 वोल्ट आ रहा है। अब यही वोल्टेज को सेंस कराया जाता है यहाँ पर, अभी देखो ये वोल्टेज हमको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। अभी आप तो कब लोग देख लेते हैं कितने वोल्ट आते हैं हमारे,
यहाँ पर आपका कपलर के वोल्टेज है 1 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं, इस तरह से 0.66 दिखा रहा है, 0.66। अगर ग्राउंड को एक रेफर करते हैं तो देखो कितना दिखाता है, इस तरह यहाँ पर भी इसी तरह दिखा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर 0.66 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको ग्राउंड कर लेता हूँ और यहाँ पर वोल्टेज चेक करता हूँ, यहाँ पर 6 वोल्ट दिखा रहा है। ये जीनर है, यहाँ पर 6 वोल्ट का जीनर मारा लगाया हुआ है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ का वोल्टेज जो है कांस्टेंट हो गया 6 वोल्ट। और ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी हम देखते हैं कि रेगुलेटर सेक्शन किस तरह से काम कर रहा है। तो इसमें से कोई एक प्रॉब, अभी प्राइमरी साइड हम चेक करते हैं तो प्राइमरी साइड का ग्राउंड यूज करते हैं, अगर हम सेकेंडरी साइड यूज करेंगे तो सेकेंडरी साइड का ग्राउंड यूज करेंगे, तो सेकेंडरी साइड का कोई भी ग्राउंड आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वायर को ट्यूनर के पे लगा देता हूँ, ट्यूनर का ग्राउंड मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ट्यूनर पर लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ का वोल्टेज चेक कर लेते हैं किस तरह से आ रहा है। ये मेरा 8 वोल्ट का रेगुलेटर है, 8 वोल्ट का रेगुलेटर है, तो सबसे पहले मैं 8 वोल्ट के रेगुलेटर पर वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर मुझे 8 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब कि 8 वोल्ट ये मेरे सिस्टम आईसी को तो मिलता रहेगा, 8 वोल्ट हमारे सिस्टम आईसी को जाता रहेगा, इसकी वजह से हमारा एसटी भी ऑन होती रहेगी। एसटी का वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं, एसटी ऑन हो गई है, उस कैसे किस तरह से मालूम करें हम, तो यहाँ पर हमको 180 सप्लाई पे रख के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 150 वोल्ट 52 वोल्ट बन रहा है, मतलब ये सप्लाई हमारा इस सप्लाई से ज़्यादा रहना चाहिए, ये सप्लाई जो आपको वक्त से 15 वोल्ट दिख रहा है इससे ज़्यादा ये सप्लाई रहेगा, तो हमको मालूम तो एक मालूम पड़ता है कि एसटी हमारी ऑन हो गई है। और हीटर के वोल्टेज जो रहेंगे वो 5 वोल्ट एसी आएंगे, तो 5 वोल्ट एसी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ये मेरा सेकेंड टर्मिनल है, वो मेरा हीटर का है, तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पर 5 वोल्ट एसी बन रहा है हीटर, जो कि फिलामेंट को जलाने का काम करता है। ठीक है, तो भी वोल्टेज मेरे आ रहा है, मतलब मेरी एसटी ऑन हुई है। इसी तरह से हमारे हॉरिजॉन्टल पल्स जो एच आउट आता है वो भी आता रहेगा, हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं। एच आउट हमारा डीसी रहेगा, एक पल्स रहेगा फ्रीक्वेंसी के रूप में, तो यहाँ पर जो पिन आपको दिख रहा है ये यहाँ से सीधा इसके बेस पे जाता है ट्रांजिस्टर के, तो मैं यहाँ पर ही चेक कर लेता हूँ, वोल्टेज काफ़ी लो रहते हैं, तो यहाँ पर 0.53 के आसपास बन रहा है। ठीक है, ताकि मेरा एसटी ऑन है। उसके बाद हम लोग अभी मेमोरी पे भी आईसी चेक कर लेते हैं, मेमोरी पे आईसी कितनी, मेमोरी आईसी पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो मेमोरी आईसी वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहला मेमोरी आईसी आपको ढूंढना पड़ेगा कि इधर है, तो ये हमारा मेमोरी आईसी यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। मेमोरी आईसी में 5 वोल्ट भी आ रहा है, तो मेमोरी आईसी को चलने के लिए 5 वोल्ट चाहिए रहता है, तो 5 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक वोल्टेज और आपको चेक करके बताता हूँ क्या है ये। यहाँ का वोल्टेज जो दिखा रहा है 0.70 वोल्ट, तो ये वोल्ट तभी आएगा जब हमारा टीवी स्टैंड बाई से ऑन होता है, मतलब जब मैं स्टैंड बाई ऑन करता हूँ तब जाके ये वोल्टेज आता है। अगर स्टैंड बाई मैं ऑन नहीं करता हूँ तो यहाँ का वोल्टेज 0 रहेगा। तो मैं आपको ये पूरा काम समझाता हूँ, रेगुलेटर सेक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं टीवी को बंद करता हूँ, टीवी को मैं बंद कर दिया है, अब यहाँ का वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कितना आता है। टीवी को बंद मतलब स्टैंड बाई मोड पर रखा हूँ, तो यहाँ का वोल्टेज मुझे कुछ इस तरह से दिखा रहा है, अभी धीरे धीरे करके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये वोल्टेज आता है हमारा यहाँ से,
यहाँ से आता है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ से आता है, इस पॉइंट से हमारा आता है। तो जैसे ही मैं टीवी को ऑन करता हूँ, यहाँ का वोल्टेज सीधा इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आता है। बेस पे आने के बाद ये ए ट्रांजिस्टर को ऑन करता है। ए ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद वोल्टेज यहाँ पर 12 वोल्ट हमको आते हैं। अब यहाँ का वोल्टेज आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि टीवी अभी स्टैंड बाई मोड में है। तो जैसे ही मैं स्टैंड बाई ऑन करूँगा, मैं एक बार ऑन करता हूँ स्टैंड बाई, मैंने स्टैंड बाई ऑन कर दिया है। अब देख सकते हो कि यहाँ का वोल्टेज आ गया, 12 वोल्ट आ गया, और यहाँ पर भी वोल्टेज आ गए रहेंगे, अभी यहाँ पर वोल्टेज भी आ गए, ठीक है। तो पहले एक बार वापस स्टैंड बाई में डालता हूँ मैं इसको, टीवी को। तो अभी स्टैंड बाई में डाल दिया इसको, टीवी को, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ का वोल्टेज कितना है। यहाँ का वोल्टेज मुझे 12 वोल्ट दिखा रहा है, और इस पॉइंट पर वोल्टेज मेरा कितना है, 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है सेंटर पॉइंट पे, इस ट्रांजिस्टर के सेंटर पॉइंट पे कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है, और ये दोनों टर्मिनल पे हमको 12 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको देखो 12 वोल्ट यहाँ मिला है, और 12 वोल्ट इस टर्मिनल पे भी मिल रहे हैं। होता क्या है, जैसे ही मैं टीवी को स्टैंड बाई मोड में डालता हूँ, स्टैंड बाई मोड में डालता हूँ, तो क्या ये माइक, इस हमारा जो सिस्टम आईसी है, यहाँ का वोल्टेज कट कर देता है। मतलब जो यहाँ पर वोल्टेज ऑन का वोल्टेज होता है, टीवी ऑन का वोल्टेज, यहाँ से जो ये वोल्टेज जो आता है, इसको माइक्रो कंट्रोलर, हमारा जो सिस्टम आईसी है, वो बंद कर देता है। बंद करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो वोल्टेज है गायब हो जाएगा। जैसे ही टीवी आप स्टैंड बाई मोड ऑन करते हो, वैसे ही जो कि सिस्टम आईसी यहाँ पर एक वोल्टेज देता है, जो कि 0.75 के आसपास वोल्ट रहता है, ठीक है। वो वोल्टेज आने से ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होता है। ऑन होने के कारण क्या होता है, ये वोल्टेज जो यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं, ये जो 12 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर, इसको ग्राउंड कर लेता है। ग्राउंड करने से होता क्या है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं मिला है, यहाँ पर 12 वोल्ट मिल जाएंगे, और ये 12 वोल्ट सीधा ही हमारे इस टर्मिनल पे आता है। और यहाँ पर जैसे ही 12 वोल्ट आता है, यहाँ से 8 वोल्ट बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, तो 8 वोल्ट जब बनेंगे, तभी जाके हमारा ये आईसी ऑन होगा, और तब जाके हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी ऑन होगा, ठीक है। तो इस तरीके पर और देख लेते हैं हम लोग ये काम। तो अब देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 11 वोल्ट। मैं स्टैंड बाई ऑन करता हूँ, स्टैंड बाई मैंने ऑन कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया। 0 होने से होगा क्या कि यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिल गया, 12 वोल्ट मिल गया। यहाँ पर 12 वोल्ट मिलने के बाद यहाँ पर भी 12 वोल्ट आ जाएंगे, 12 वोल्ट आ गए, और यहाँ पर आपको 8 वोल्ट मिल जाएगा, जिससे ये 8 वोल्ट सीधा ही हमारे आईसी को जाता है। इसकी वजह से हमारी ये आईसी ऑन हो जाती है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पल्स भी जाने शुरू हो जाती है, और हमारा पूरा सेक्शन ऑन हो जाता है। इस तरह से हम एक जो वीडियो कॉन का सर्किट हो, या सनसुई का, या अकाई का, इस तरह से हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। और भी एक वोल्टेज बताता हूँ आपको, जो कि डीटी का वोल्टेज है। तो डीटी का वोल्टेज हमको यहाँ पर, पहले बंद करता हूँ, स्टैंड बाई मोड में डालता हूँ टीवी को, स्टैंड बाई मोड में चला गया। तो मतलब यहाँ का 8 वोल्ट अभी नहीं मिल जाएगा, 8 वोल्ट नहीं आ रहा, मतलब टीवी मेरा बंद है। तो यहाँ डीटी का वोल्टेज जो रहेगा, ये हमारा एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर। यहाँ पर हमको 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट का ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर हमको 24 वोल्ट मिलेंगे। सॉरी, इस पे है, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 वोल्ट आ रहे हैं, और इस पॉइंट पे भी एक वाइंडिंग है, इसीलिए यहाँ पर भी 24 वोल्ट आएंगे। ये 24 वोल्ट सीधा ही हमारे ट्रांजिस्टर कलेक्टर से कनेक्ट होंगे। तो ट्रांजिस्टर कलेक्टर यहाँ पर ये वाला है, तो यहाँ पर भी आपको 24 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये वोल्टेज यहाँ से, ये टर्मिनल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी 24 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये हमारा डीटी है, तो यहाँ पर ही जो ऑसिलेशन होता है, और ये सीधा ही हमारे इस ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्टेड है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसका बेस है, तो यहाँ पर ये सीधा ही इससे कनेक्टेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इससे कनेक्टेड सीधा, और यहाँ पर ये स्विचिंग होता है, ऑन ऑफ होता है, जिसकी वजह से हमारी एसटी बनने शुरू होती है। तो इस तरह से आप जो कि वीडियोकॉन सनसुई अकाई टीवी में आप वोल्टेज चेक कर सकते हो, यही टेक्निक है। तो आपको सबसे पहला 8 वोल्ट देखना पड़ेगा, 8 वोल्ट बनेगा, ये 8 वोल्ट बनेगा तो ही हमारा आईसी ऑन होगा। जब ये 8 वोल्ट नहीं बनेगा, तो आपकी आईसी भी ऑन नहीं होगी। और 8 वोल्ट से बनने से पहले आपको यहाँ पर पल्स ये देखना पड़ेगा, ऑन का सिग्नल, ये ऑन का सिग्नल आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर 0.75 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ये आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर भी ऑन नहीं होगा। तो ये वोल्टेज देने का काम कौन करती है? ये आईसी करती है। आईसी ये वोल्टेज यहाँ पर ट्रांसफर करेगी तभी जाके हमारा ये पूरा सेक्शन ऑन होगा, नहीं तो ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।